भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही अपने रिच कल्चर और हेरिटेज से दुनिया को हैरान करता आया है। ये देश दुनिया की प्राचीन रहस्यमय सभ्यताओं और शक्तिशाली राज साम्राज्यों का भी साक्षी रहा है, जिन्हें हम कुछ हद तक समझ भी पाए हैं और नहीं भी। और आज हम भारत के इतिहास से ही जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय कहानी को जानने वाले हैं जिसके साक्ष्या हमारे ग्रंथों में भी मिलते हैं, जिसका नाम है कुमारी कंदम द लॉस्ट कॉन्टिनेंट इन द इंडियन ओशन। आज हम इसी कॉन्टिनेंट की मिस्ट्री को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिस भारत को देखते हैं वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था। आज से सैकड़ों साल पहले भारत की धरती कुछ अलग सी दिखाई देती थी, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया कुछ अलग सी दिखती थी। और दुनिया भर के देशों में कुछ देश तो ऐसे थे जो कभी हुआ ही नहीं करते थे। ये सभी देश एक बड़े से लैंडमार्क की तरह जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पर 200 मिलियन ईयर्स पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जनरेट हो गया, जिसने पेंजिया को दो नए कॉन्टिनेंट एशिया और गोंडवाना में बांट दिया, जिनके आगे और डिवाइड होने से माउंटेन्स सबमर्स्ड लैंड्स डेवलप हुए, जिन्होंने वॉल्केनिक इरप्शंस सुनामी और अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर को इनवाइट किया। इन नेचुरल डिजास्टर के बार बार होने के कारण अर्थ की नेचुरल जियोग्राफी भी बार बार बदलती रही, जिससे डिफरेंट लैंडमार्क की फॉर्मेशन होती गई। पुराने समय में प्लेटो के द्वारा द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस की थ्योरी देने के बाद दुनिया भर के देशों के स्कॉलर्स ने अटलांटिस जैसी अनडिस्कवर्ड सिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके कारण रिसर्चर्स और स्कॉलर्स डीप इन्वेस्टिगेशन में लग गए। उनकी रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि 15 सेंचुरी में कुछ तमिल स्कॉलर्स को इंडियन ओशन में कुमारी कंदम या लेमुरिया नाम के सबमर्स्ड कॉन्टिनेंट के होने के एविडेंस मिले, जो समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण डूब गया था। इस मिथिकल आइलैंड की लोकेशन के बारे में कहा गया कि ये मॉडर्न डे इंडिया के साउथ में एग्जिस्ट करता था। तमिल पीपल कुमारी कंदम को अपना लॉस्ट होम कॉन्टिनेंट मानते हैं। उनके मुताबिक कुमारी कंदम पर करीब 10,000 सालों तक पंडियन राजाओं ने शासन किया, जिस कारण ये सभ्यता पूरी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता है। उनका ये भी कहना है कि पंडियन राजाओं के समय धरती 49 टेरिटरीज या 49 नाडू में डिवाइडेड थी, जो थे 7 कोकोनट टेरिटरीज, 7 मदुरई टेरिटरीज, 7 ओल्ड सैंडी टेरिटरीज, 7 न्यू सैंडी टेरिटरीज, 7 माउंटेन टेरिटरीज, 7 ईस्टर्न कोस्टल टेरिटरीज एंड 7 ड्वार्फ पाम टेरिटरीज। पर जब समय के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, तब इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा अफ्रीका, इंडिया और श्रीलंका के अदर पार्ट्स में माइग्रेट हो गया, जिससे नई रेसेस, नई लैंग्वेजेस और नई सिविलाइजेशन की फॉर्मेशन होने लगी। अपने इन फैक्ट्स के बेसिस पर ही तमिलियंस का ये मानना है कि पूरी मानवता उनके अपने होम कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम के ही वंशज है, जो समय के साथ दुनिया के अलग अलग कोने में बस गए। कुमारी कंदम शब्द का सबसे पहले मेंशन 15 सेंचुरी के स्कंद पुराण में मिलता है, जो कि कच्चियप्पा शिवाचार्य द्वारा लिया गया लार्जेस्ट महापुराण है। इस पुराण के अंडकोश पडलम सेक्शन में कुमारी कंदम को अर्थ का किंगडम कहा गया है। वहीं 19 सेंचुरी के स्कॉलर फिलिप लुटी स्क्लेटर कुमारी कंदम को एक अलग नाम लेमुरिया कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब है मेडागास्कर के लेमुरस का इंडिया में आना। फिलिप अपनी थ्योरी ऑफ लैंडमार्क में कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका से एशिया तक फैला हुआ था, जो तमिलियंस के फैक्ट्स को और मजबूती देता है। पर इतना सब कुछ जानने के बाद एक सवाल जो हमारे मन को घेरता है वो ये है, क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ कहानियां या हमारा भ्रम? दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की रिसर्च के मुताबिक आज से 14,500 साल पहले सी लेवल्स आज के सी लेवल से 100 मीटर्स कम था, जिससे ये क्लियर हुआ कि आइलैंड ऑफ श्रीलंका मेनलैंड इंडिया से एक ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ था, जिसे आज हम एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो कि रेत कंकड़ और छोटे पत्थरों से बना है और पार्क स्टेट में प्रेजेंट है। पर सिर्फ एक ब्रिज के बेस पर
हम एक पूरी सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए कई सालों तक रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट से जुड़े और एविडेंस को ढूंढते रहे, पर सिर्फ हिंदू ग्रंथों में इसके जिक्र के अलावा और कोई भी बड़े स्केल पर इसके एग्जिस्टेंस के एविडेंस को नहीं ढूंढ पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी मिस्टीरियस लॉस्ट कॉन्टिनेंट कुमारी कंदम की कहानी, जिसके बारे में मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि या तो ये कभी हुआ ही नहीं करता था, या फिर इसकी मौजूदगी आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।